नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया डॉट न्यूज। और भारत में बहुत तेजी से अब वैक्सीन्स बनने बनाने की बातें शुरू हो चुकी हैं, ट्रायल की बातें शुरू हो चुकी हैं। कोवैक्सीन का ट्रायल भी हो चुका है और इससे जुड़ी बेहद चौंकाने वाली खबर आ रही है। जिस वैक्सीन की तरफ लोग बहुत उम्मीदों से देख रहे हैं, जिस वैक्सीन का इंतज़ार बेहद शिद्दत से लोग कर रहे हैं, वो कितनी कारगर साबित होगी, ये सवाल अभी भी लोगों के जहन में है कि क्या वाकई जब कोरोना की कोई वैक्सीन आएगी तो वो कोरोना को पूरी तरह ख़त्म कर देगी या सिर्फ वो एक प्रिवेंटिव मेडिसिन होगी जो कोरोना होने से बचाएगी। अगर आप बच गए तो ठीक, वरना कोरोना का वो सटीक इलाज नहीं होगी। तो वैक्सीन कैसी होगी, क्या होगी, जब उसके आने के बाद ही ये तय होगा। पर फिलहाल एक बेहद ही चौंकाने वाली खबर मिली है कोवैक्सीन से जुड़ी हुई। कोवैक्सीन दवाई का ट्रायल इंडिया में शुरू हुआ। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने खुद पेशकश की, स्वेच्छा से आ गया है, वॉलंटियर किया कि मैं ये टीके के ट्रायल में शामिल होना चाहता हूँ, मैं ये टीका लगवाऊंगा। एक अच्छी पहल थी और इन सभी के लिए एक इंस्पिरेशन थी, जो कोरोना वॉलंटियर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, जो कोरोना से लड़ रहे हैं और वो लोग जो इस क्षेत्र में बहुत काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि जल्द से जल्द आम लोगों को कोरोना का टीका मिले, उनके लिए ये एक बड़ा इंस्पायरिंग जेस्चर था कि एक मंत्री खुद आगे आया है और स्वेच्छा से कह रहा है कि मैं कोरोना का टीका लगवाने के लिए तैयार हूँ। वो तैयार थे, सारी जांचें हुई, वो फिट भी साबित हुए और इन्हें इंजेक्शन लगा भी। लेकिन इसके कुछ ही दिन बाद जो खबर आई वो चौंकाने वाली थी। अनिल विज ने खुद ट्वीट करके बताया है कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं। साथ ही अपील भी है कि उनके संपर्क में जितने लोग आए हैं वो सब कोरोना का टेस्ट करा लें, आइसोलेशन में रहें अगर हो सकता है तो। ये जो अब ट्वीट आया है अनिल विज का, वो ये सवाल भी खड़े कर रहा है कि क्या कोरोना वैक्सीन को वैक्सीन जिसका लोग इंतज़ार कर रहे हैं वो वाकई इतनी दमदार साबित होने वाली है। अगर हाँ होने वाली है तो अनिल विज कोरोना पॉजिटिव कैसे हो गए। जितना अनिल विज ने आगे आकर इस चीज़ को उठाया था कि वो स्वेच्छा से वॉलंटियर कर रहे हैं, टीका लगवाने वाले हैं, क्या उसका मैसेज उल्टा भी हो सकता है। वैसे और जाँचें होनी हैं, अभी और ट्रायल्स भी होंगे, खुद अनिल विज की जांच होगी कि क्या वो टीका लगवाने से पहले इस तरह के किसी के संपर्क में आ चुके थे इसलिए टीका कारगर साबित नहीं हुआ, या क्या टीका लगवाने के बाद अब वो बहुत तेज़ी से रिकवर कर सकते हैं और जल्दी कोरोना से उभर सकते हैं। अंजाम क्या होगा ये आगे की रिपोर्ट्स पे डिपेंड करता है। फिलहाल सरकार की तरफ से सबको मैसेज यही है कि निराश ना हो, इंतज़ार करें, ट्रायल्स चालू हो चुके हैं, एक ना एक मेडिसिन ज़रूर सफल होगी और लोगों को कोरोना से छुटकारा ज़रूर मिलेगा। नमस्कार।